हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे। आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेगा। ये हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें पास्टर अंकुर यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएँ। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, इस सुबह के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। इस वचन के लिए, सामर्थ्य वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता जी। इस वचन को पिता तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। जब हम तेरा ये वचन पढ़े पिता, हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए। जब जब तेरे लोगों तक ये वचन जाए मेरे सामर्थ्य को, तो उनकी जिंदगियां ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो, उनकी फैमिलियां ब्लेस हो, उनके बिजनेस ब्लेस हो, और पिताजी उनकी जिंदगियों में ये बड़े कार्य करे मेरे सामर्थ्य खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन आमीन। आज का वचन, परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को साबित करें। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्यार रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमने को चरा। यूहन्ना 21:15। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि शमौन जो पतरस भी कहलाता है, प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रेम करता था। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने तुरंत कहा, हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ऐसा 3 बार पूछा और उनको दुष्टांत में सेवकाई करने के लिए कहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को मछलियाँ पकड़ने की बजाय मनुष्य को पकड़ने के लिए कहा था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने अदन के वाटिका को बनाया था, तो वहाँ परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया था, ताकि परमेश्वर उनके साथ संगति कर सके और उन्हें प्रेम कर सके। परंतु आदम और हवा ने परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा कर शैतान की बात मानी और परमेश्वर से दूर हो गए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि हम लोग उद्धार पाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अगर आज आपके घर में बीमारी है, गरीबी है, फिर भी आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अपनी दया को दिखाता है। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि अगर आप वचन नहीं पढ़ते और प्रार्थना नहीं करते, तो आपकी परमेश्वर के साथ से भागता नहीं है, तो आप परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बाइबल में भजन संहिता 91:14 में लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको चुराऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वचन आपको सिखाता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाता है और उनको आदर महिमा देता है और फलवंत करता है। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है और आप उससे प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, आपके वंश को बढ़ाता है, आपकी रक्षा करता है और आपकी अगुवाई करता है। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी और पवित्रता के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। आज देखा जाए तो ज़्यादातर लोग परमेश्वर से आशीष लेने के लिए उसके भवन में जाते हैं, वे चंगाई और भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं, पर उन्हें परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं होता। वह सिर्फ परमेश्वर से चंगाई लेने के लिए जाते हैं। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, जब वाचा का संदूक मंदिर में लेकर जा रहे थे, तो तब वह उसके आगे आगे मतवाला होकर नाच रहा था। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बच्चा देने की वाचा बांधी, तो अब्राहम कई साल तक इंतजार करता रहा, परमेश्वर से प्रेम करता रहा, और कभी भी उसके वचन उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चा दिया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि जिस तरह पतरस, अब्राहम और दाऊद ने परमेश्वर से प्रेम किया, वैसे ही आपको सहभागिता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। बीमारी में, लाचारी में, गरीबी में भी आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, ताकि परमेश्वर आपको फलवंत कर सके और आपको और भी आगे बढ़ा सके। जिस तरह परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वैसे ही आपको भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। आमीन। प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रार्थना करता हूँ कि आज से मैं आपके साथ से व्यक्ता करूंगा और पाप से हमेशा दूर रहूंगा, वचन और प्रार्थना में बना रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन।
धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता जी इस वचन के लिए, तेरा थैंक्स करते हैं पिता, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। ये वचन हमारी जिंदगी में सौगुना फल लेके, अंधकार की शक्ति भी तेरे वचनों में से चुराने न पाए पिता जी। ये वचन पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सपोर्ट जेम्स की, गॉड ब्लेस यू ऑल।